श्री गणेश श्री गुरुभ्यो नमः श्री सरस्वती नमः लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्याम रामचंद्र की। आप सभी को इस राम दरबार में स्वागत है, जहां पर यह पवित्र रामायण रूपी गंगा आज सुबह से बह रही है। पुनः चले हम साथ हो जाए और इस रामायण रूपी गंगा में गोता लगाए, स्नान करें और अमृत रूपी कथा को पान करें। चले हम उत्तर कांडी कथा में प्रवेश करें, जहां पर भरत जी भगवान श्री राम से शान और असंत संत और असंत का भेद पूछते हैं और भगवान श्री राम बड़े प्रेम से भरत जी को समझाते हैं और क्या सुंदर से गान की गए हैं। चले हम प्रेम और श्रद्धा से श्रवण करें। संत असंत भेद बिलगाई बड़े भाई श्री राम से बोलते हैं,
कि हे दिनों के पालन करने वाले प्रभु, आप स्वर्ग व्यापक है और आप अंतर्यामी है, फिर भी मैं ढिठाई करता हूँ। आप संत और असंत का भेद पृथक पृथक मुझे समझा कर कहो। तब श्री रघुनाथ जी बोले, भाई संतों का लक्षण सुनो, उनके गुण अनंत है और वेदों तथा पुराणों में विख्यात है। संत का पास कोमल चित्त, दीनों के ऊपर दया करने वाले, मन वचन कर्म से माया रहित है, जो सबको मान देने वाले हैं और आप मान रहित है, और ऐसे सब मेरे पुराणों से प्यारे हैं। संत जो है वह प्राय दुख से आप ही दुखी होते हैं और दूसरों का सुख देखने पर अति सुखी होते हैं। संत का स्वभाव हमेशा शीतलता, सरलता और मित्रता और संत प्रेम के सागर है। प्यारे भक्तजन, संत जो होते हैं वह शीतल जल की तरह है, ना क्रोधी है, ना लालची है और ना अभिमान है। संत ना बुरा सुनते हैं, ना बुरा देखते हैं और ना बुरा बोलते हैं। हम अपने जीवन में मिलकर एक प्रेम का दीप जला ले, और कौन जाने कि जो शरीर हमें 84,00,000 युनि भुगतने के बाद में मिला है प्यारे भक्तजन, फिर हमें मिले या ना मिले, और जहां पर दया है वहां धर्म है, जहां धर्म है वहां प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां भगवान है, और जहां प्रेम है वहां सुख और शांति है। हम संत कैसे बन सकते हैं, उसका एक ही उपाय है। किसी कवि ने गाया है, चले हम मिलकर गाए और सुने। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जब यह शरीर देवालय या मंदिर बन जाएगा तो इसमें प्रेम प्रकट हो जाएगा और हृदय महंत हो जाएगा और रोम रोम संत हो जाएगा और इसमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।
प्रेम के बस में होकर भगवान श्री ने श्री राम ने मां शेवरी का झूठा बैर खाया। प्रेम के बस में होकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रथ हाका। अब प्रेम के बस में होकर भगवान कृष्ण ने सुदामा का सूखा चावल खाया। अब प्रेम के बस में होकर भगवान श्री राम ने इस धरती पर प्रकट हुआ हम मानव का रक्षा करने के लिए। सत जो है वे गंगा माँ की तरह है, जो पवित्र है, शीतल है, शांत है और प्रेम से भरती है। हम मानो उसमें अपने मैली वस्त्र, मैली तन और मेरी मन को साफ करती है, पर माँ गंगा कभी शिकायत नहीं करती है। इसी तरह एक संत का प्रभाव है, शीतल जल की तरह है, प्रेम और शांति का भाव लेकर हरि नाम में मस्त रहता है और स्वर्ग लोक का उपाय ढूंढता है। जो भी कुछ पाया उसमें हमेशा सुख और संतुष्ट रहता है। चले हम देखें कि भगवान श्री राम जी भरत को असंत का क्या लक्षण बतलाते हैं। सुना हुआ संत के स्वभाव, भूले हो संगति करे ना काऊ, भूले हो संगति करे ना काऊ, इन कर संग सदा दुख क्रोध मद लोभ परायण निर्दय कपटी कुटिल पलायन, वैर कारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो, संग हरि कथा न भगवान श्री राम अपने छोटे भाई भरत से वो बतलाते हैं कि सुनिए आप असंतों के स्वभाव का वर्णन करते हैं। ऐसे पुरुषों का संगति भूलकर भी नहीं करनी चाहिए और ऐसे पुरुषों का संग सदा दुखदायी है। असंत जो है वे सदा बुराई पसंद करते हैं और जहां निंदा सुनते हैं तो ऐसे प्रसन्न होते हैं कि मानो कहीं एक लॉटरी जीत गई हो। असंत हमेशा काम क्रोध लोभ में सदा ग्रहण करते हैं।